तो स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। अभी हम हैं मधमेश्वर और यहाँ पर देख सकते हो पूरी टेंट नगरी लगी हुई। हमारा भी टेंट यहाँ पर लग चुका है जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा। अभी आरती शुरू हो गई है तो चलते हैं आरती में। अभी खाना खा रहे हैं। खाने में देखो भात चावल रोटी पनीर और स्वीट कितना खाते और दाल सोन भाई कोलकाता का फेमस है ना। मिड में बैठे हैं कहीं मंदिर से आधा किलोमीटर दूर। सो भाई अभी हम टेंट में आ गए और सोने की तैयारी हो गई है। देखो हमारे पास मैट्रेस नहीं है लेकिन ये कंबल है बिछा लिया, ये ऊपर टेंट है, अच्छी तरीके से सो जाएंगे। और कुत्ते वगैरह बाहर भौंक रहे तो भैया जो ट्रैक लीडर है उन्होंने बताया कि यहाँ पर लेपर्ड वगैरह या कोई वो टाइगर है जिसके लिए कुत्ते भौंक रहे हैं। गुड मॉर्निंग जी, अभी 5:30 हो गया तो मैं लेट हूँ लगभग 1.5 घंटा और पहुँचना है वहाँ टॉप पर। लोग पहुँच चुके हैं, अभी हमें दिखाई दे रहे हैं। क्या है कि लेट उठा, आँख थोड़ी लेट खुली, कोई नहीं अभी पहुँच जाते हैं हम उनके साथ साथ। थोड़ा ऊपर चल के मिलते हैं, ऑलमोस्ट लेट हो चुके हैं, सनराइज होने वाला है। लोग 4 बजे चले वो अभी पहुंचे और हम 25 मिनट में यहाँ तक पहुंच गए, बहुत सही। ये आ गया पुराना मधमेश्वर, ओल्ड मधमेश्वर टेम्पल। लेक है छोटी सी सूखी हुई है, उस लेक में थोड़ा सा पानी है और मंदिर के अंदर से आपको दर्शन करवाते हैं। अभी ये टॉप हिल दिख रहा है, चौकम्बा हिल है और सनराइज अभी यहीं से हुआ है। सुबह के 6:30 हो रहा है, ऐसा लग रहा है 10 बज चुके हैं। 1 घंटा लगता है नॉर्मली आप जब से नीचे से चल। हाँ वो अपने डिपेंड पर रहता है कब कैसे हम पहुँचते ऊपर। ये अब छोटी सी लेक है, बस थोड़ा सा पानी है। शशि भूषण दिल्ली से। दिल्ली से। और आपका नाम जी? जी मायसेल्फ रिया फ्रॉम देहरादून। देहरादून। आपका? प्रियंका फ्रॉम देहरादून। रिया प्रिया। हाँ कालू क्या नाम है तेरा? कालू। कालू मैं भोटू। मैं कालू भी हूँ, मैं भोटू भी हूँ। कालू है। भाई 3 बार गिरा लास्ट में अटेम्प्ट हुआ तब जाके वीडियो सही शूट हुआ रील के लिए। इंस्टाग्राम पर देख सकते हो इन लड़कियों ने 2 बार गिराए, 3री बार में सफल हुआ हमारा। तो दोस्तों हमने वहाँ पर छोड़ दिया मंदिर, अब बढ़ते हैं वापस नीचे की ओर। आना सफल रहा? क्या एक्सपीरियंस रहा आपका सर यहाँ का? एक्सपीरियंस तो इतना अच्छा रहा कि बस इसे शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता। यस बट बहुत ही अच्छा। ट्रैक काफी टफ था लेकिन ऊपर आने के बाद लगा कि सब कुछ सार्थक हो गया। देख रहे हो नीचे टेम्पल, इस तरफ आ जाओ, फास्ट आओ। और इन सब ग्रुप में सबसे छोटा मैं हूँ।
सो गाइस रात को तो कल दिखा नहीं पाई अच्छी तरीके से, मतलब हमने कहाँ कैंपिंग कर रखा है। ये देख सकते हो इस तरफ ये मंदिर है और वो सामने वहाँ पर हमारे टेंट नगरी बसी हुई है। क्या हाल चाल है भैया? एकदम मस्त मस्त है। और अब आप आगे ट्रैक कहाँ के लिए जा रहे हो? अभी हम नंदीकुंड और गया विनायक के लिए जा रहे हैं। अच्छा, कितने दिन का ट्रैक है ये? अभी हमारे मंदेश्वर से हमें 7 दिन लगेगा, यहाँ से हम कल्पेश्वर निकलेंगे बाहर। अच्छा, कल्पेश्वर वहाँ बाहर निकलेंगे। अच्छा जी, तो हम भी ट्रैक इनके साथ करते लेकिन इनके लिए स्पेशल परमिशन जरूरत रहती है, तो हमारी परमिशन नहीं है। अगर नेक्स्ट टाइम हमारे आपके साथ ज्वाइन करेंगे हम भी। ओके ओके जरूर। यहाँ पर भैया लोग पका रहे हैं खाना। क्या हाल चाल भैया? बढ़िया बढ़िया है जी। अच्छा, और ये किचन अंदर से यहाँ पर रात को बैठे खाना खाया था जो अभी थोड़ा पहले देखा आपने वीडियो में। वॉल पैकिंग कंप्लीट। अभी यहाँ से चल दिए हमने मंदिर की ओर। हिमालय के दिव्य श्रृंखलाओं पर बसा हुआ है ये दिव्य हिमालय के मध्य भाग में स्थित द्वितीय केदार भगवान श्री मधुमेश्वर के नाम से यह स्थान प्रसिद्ध है। जब महाभारत युद्ध के उपरांत पांडवों को गुरु हत्या, ब्रह्म हत्या, गोत्र हत्या का पाप लगा तो व्यास ऋषि की आज्ञा लेकर पांडव इसी दिव्य हिमालय में आए, लेकिन भगवान शंकर जी ने उन्हें एक स्वरूप पर एक स्थान पर दर्शन न देकर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग स्वरूप में दर्शन दिए, वही 5 केदार हुए। कहते हैं केदारम मध्यमम तुंगम तथा रुद्रालयम प्रियम कल्पकम च महादेवम सर्व पाप प्रणाशनम। हिमालयों पर केदारनाथ जी जहाँ पर भगवान शिव का पृष्ठ भाग है, शिरोभाग पशुपतिनाथ नेपाल में, अन्य 4 भाग हुए नाभि स्वरूप के दर्शन, यानी भगवान शंकर जी की जो संपूर्ण शक्ति है इस स्थान पर विद्यमान है। ये साधना की दृष्टि से, योग की दृष्टि से, भगवान शंकर की भक्ति प्राप्त करने की दृष्टि से सबसे उपयुक्त स्थान है। और हृदय बाहु तुंगनाथ जी में, नेत्र दर्शन रुद्रनाथ जी में, जटा दर्शन कल्पेश्वर में। कहते हैं मदनांत का भक्त वत्सला, जो जीवात्मा के मदन को हरण करके उस जीव को शिव बनाते हैं वह मधुमेश्वर हैं, और अपना पूर्ण वात्सल्य भक्त को देते हैं, अपने शिव भक्त को देते हैं, अपने उस शंकर के परम भक्त को देते हैं, उस शिव का नाम है मधुमेश्वर। मधु मैंने मीठा होता है, मीठा मैंने सर्वोच्च फल देने वाले जो शिव हैं वह मधुमेश हैं। और इस स्थान पे आकर के सभी भक्त लोग अपने महादेव के दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। यह दिव्य आलौकिक स्थान इस दिव्य हिमालय के मध्य भाग में स्थित है। इस स्थान पर भगवान शंकर की नाभि की पूजा होती है। अभी हम मधुमेश्वर धाम से वापस नीचे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो देख लीजिए ये सांप मिला हमें रास्ते में। जाइए नीचे, शंकर भगवान के दर्शन कर लिए रास्ते चलते। रिया आपने पहली बार देखा क्या इतना पास से? तभी तो एकदम चौंक गए। इतनी ऊंचाई पे आने के बाद आपको नज़ारा देखना हो तो सामने देखिए, क्या खूबसूरत नज़ारा ये देख सकते हो। ऐसा नज़ारा पाने के लिए कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा ऊपर आने के लिए, और बहुत ही अच्छा नज़ारा, बस जैसे फ़ोटो देखते हो ना वॉलपेपर वाले, वही यहीं से बनते हैं वॉलपेपर यार। आप भी बनाओ कोई वाले। तो भैया सुबह कहाँ से चले आप? हम चले रांची से, रांची विलेज। और कितने टाइम में? अभी तो कितना टाइम हो रहा है? 12 बज रहे? 12 बजे। कितने बजे चले? 7 बजे। 7 बजे तो जल्दी आइए आप 5 घंटे में। हाँ बिल्कुल, 1 घंटे में और पहुँच जाएंगे। 1 घंटा और लगेगा तो इनका 6 घंटे में पूरा ये ट्रैक यात्रा हो जाएगी। और हमको तो कल सुबह 6 बजे चले, 4 बजे पहुँचे। घोड़ा के झाड़ है, इस पर फल लगता है, ये जंगली फल पौधा है, इस तरह के फल है, बस खा रहे हैं हम सब लोग। खट्टा मीठा टेस्ट आ रहा है इसमें। दिखाते हैं भांग। भांग का पौधा इस तरह का होता है, ये देख रहे हो पूरा भांग है,
यहाँ पर काफ़ी पौधे लगे हुए हैं पान के उस तरफ इस तरफ, और स्मेल भी अलग ही आ रही। सुबह नाश्ता करके निकले थे, अभी खाना खा रहे हैं, सिंपल वाला परांठा मैगी। भाभी वालों की स्टोरी ये है कि उनके हस्बैंड और उनके बच्चे केदारनाथ की बाढ़ में, उनका मतलब वो एक्सपायर हो गए थे, मतलब बाढ़ में साथ में ना उनका मतलब आपदा में बह गए। तो अभी उनकी है 6 बेटियां और ये सब घर का खर्चा ज़्यादा थे। तो खंडारा में आप जब भी आओ, जो वीडियो देख के मधुमेश्वर की यात्रा करते हो, तो टॉप वाला ढाबा रहता है ये, यहाँ पर देख सकते हो, ये आवश्यक सूचना का है। ये ऊपर ढाबा है, वहाँ पर ज़रूर रुकना उस तरफ। और ये नीचे एक और ढाबा है, दो ही हैं अभी तो खंडारा में। गोंडार से 3 किलोमीटर ऊपर की ओर खडारा गाँव है, वहाँ पर इनका ढाबा है, टॉप वाला ढाबा है। वहीं पर आप आके रुकिए और आंटी लोग से बात कीजिए। ये क्या फल नाम है इसका? हिसर। छोड़ दो। अरे ऐसा नहीं रहेगा यार, क्या नाम? हिसर। चलो तो गाइज, अभी ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका है, थोड़ा थकान हो गई। और बस अब 20 मिनट का और रास्ता होगा शायद। तो गाइज फाइनली हम पहुंच गए अगतोली, और नीचे भैया और दीदी लोग हैं, उन्होंने भी होटल ले लिया। हमने भी टेंट लगाने कैंसिल किया क्योंकि इतना ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं और रात इतना पसीना हुआ। ये देख सको तो नमक जम चुका है, शर्ट पर नमक जम गया। और नीचे चलते हैं, उनसे भी मिलाते हैं। अब चाय का ऑर्डर दिया, चाय उसके बाद खाना। ये दीदी लोगों का रूम है, कैसे फील कर रहे हो? बढ़िया, ठीक है, आराम करो, फ्रेश हो लो। हम भी फ्रेश होते हैं, आराम करते हैं यार। यार ये डोगी जब से साथ है तभी साथ में ही है। और शशि भैया क्या हाल चाल है? भाई बहुत बढ़िया हाल चाल है, पहुंचने के बाद तो हाल और चाल दोनों बढ़िया बन गए। ये रूम है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम अगतोली उत्तराखंड। यहीं से आगे ट्रैक शुरू होता है मधुमेश्वर धाम का, और रात को 8 बजे पहुंचे, खाना खा के 11 बजे तक सो पाए। और उसके बाद हमारा सामान था रांची विलेज में छोड़ा हुआ था, आधा ऊपर लेके गया था कैंपिंग का। तो जो रांची में छोड़ा हुआ सामान था वो अभी लेके आया था मैं इन प्रिया की स्कूटी से। ठीक है शशि ब्रदर, फिर मिलते हैं यार। सीधे हाथ से, ये सीधा है मेरा, वो आप आए ओके। ठीक है भैया, ठीक है फिर मिलेंगे कभी, है ठीक है देहरादून मिलते हैं ना, ओके। कालू को ले चलो, ठीक है ओके बाय। ये ऐसा है ना जी, कुछ दिन पहले सौरभ जोशी ने भी लिया था अपना मैकबुक। हाँ जी, तो मैंने कमेंट किया था, मैंने कहा भाई हर मिडिल क्लास बंदे का सपना होता है कि मैकबुक हो। अब पर ये है कि इसको लेने में जरा टाइम लगता है, टाइम लगता है, धीरे धीरे चीजें जुड़ती हैं।